65 डिग्री. What is that? Value is 65 degrees. That's correct. But what is your? It is actually. For the QRT, what is QRT? Exterior angle. Exterior angle. That's correct. Fine. So can you find out the value of QSR? QSR का value कैसे सकते हैं? Yes, sir. QSR का value आ सकता है? आ सकता है. कितना? कितना? कैसे आ सकता है बताओ? Because QST is a QRT is exterior angle, that is 65. And can you find out QSR, interior opposite angle? कैसे निकालते हैं बोलो. बोलिए ना. सर एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू एस आर इक्वल टू 65 डिग्री. दैट्स फाइन. एंगल एस क्यू आर गिवन एस एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू हाउ मच बोलिए. 28 डिग्री. 28 डिग्री. वेरी गुड. एंगल क्यू एस आर नाउ एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू पार्डन 37 डिग्री. 37 degrees is correct answer. That is correct answer. What is PQ is parallel to SR. PQ is given as parallel to SR. Okay, na? If PQ is parallel to SR, can you find out any angle? If P is equal to 90 degrees, how much is angle S? How much is angle S? Total S. Y plus this now you tell 37 na 37 kul mila ke kitna hota angle Y plus 37 degrees kitna hota 90 degrees. That is very good. 90 degrees is correct answer. You are right. Very good. So angle Y is equal to how much? Angle Y plus 37 degrees is 90 degrees. Angle Y is equal to how much? 63 degrees. Pardon? 53 degrees. You are saying 53 degrees? Sirappan? 63 degrees. 63 is more than 90, no? Minus karke batao. 90 minus? 53 degrees. 53 degrees. Yes, 53 degrees, correct. 53 is correct answer. 53 is correct answer. Now see. Angle P is equal to 90. Angle Y is equal to 53 degrees. What about angle X? What about angle X? That is PQS. कैसे निकालते हैं पहले ला बताओ. Angle P मालूम है, angle Y मालूम है, angle X X is unknown. तो ये तीनों मिला के कुल मिला के कितना होना चाहिए? 180. क्यों? Angles and property. Angles and property. Angles and property of triangle. Yes. Very nice, very nice. Now, 90 degrees plus 53 degrees plus x is equal to how much? 37 degree. 37 degree. X is equal to 37 degree. 37 degree. 7 degree. You are right. You are right. बोलो बेटा. यू आर राइट. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल टू एसआर गिवन है ना. पी क्यू पैरेलल टू एसआर इज गिवन. यू हैव गॉट एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 37. देन इमीडिएटली यू कैन से दैट एंगल पी क्यू एस इज ऑल्सो इक्वल टू 37 डिग्री बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. You are fine. So this is how we are going to do this problem.
I'm handing the bike to Janendra sir. Thank you sir. तो देखिए अभी सर ने बताया ना आपको कि अगर हमें क्या दो चीजें दी हुई हैं, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। देखिए तो मैंने एंगल पी क्यू एस को लिख दिया मैंने एंगल आर एस क्यू, क्यों होंगे ये दोनों इक्वल एंगल बताइए, दोनों एंगल्स इक्वल क्यों होंगे? दोनों एंगल्स इक्वल क्यों होंगे बताइए, कौन सी प्रॉपर्टी से हो रहा है? अल्टरनेट इंटीरियर सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा आवाज नहीं आ रही, सर योर माइक इज ऑफ। ओके अब आवाज आ रही है आपको? अब आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है तो ये दोनों देखो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये अगर एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी, एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, ध्यान से देखो अभी क्लास की शुरुआत में, ठीक है, जिसमें एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट, उसका यूज करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये हमने थ्योरम से पढ़ा था, ठीक है। तो जो 65 डिग्री है ये किन के सम के इक्वल होगा, जो बाहर जो 65 डिग्री है ये किन के सम के इक्वल होगा, ये बताओ। 65 देखो एक्सटीरियर में एस क्यू के, तो जो 65 डिग्री है ये एंगल क्यू एस आर और एंगल एस क्यू आर के सम के इक्वल होगा, ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। क्यू एस आर है x डिग्री और एस क्यू आर है कितने एंगल, 20 डिग्री, 28 डिग्री का एंगल है। तो एंगल x क्या आएगा बताइए, एंगल x क्या आएगा बताइए? 37 डिग्री आ गया, ठीक है, 37 डिग्री, वेरी गुड, ये आ गया 37 डिग्री का, सबको दिखाई दे रहा है 37 डिग्री लिखा हुआ? यस सर। यस सर। तो देखिए अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, या तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कर लो या तो एक और हमने एक्सियम पढ़ा था उससे कर लो, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है तो उसी का यूज करेंगे हम, ठीक है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंगल पी प्लस एंगल वाई प्लस एंगल एक्स किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज किया हमने 180 डिग्री, ठीक है। तो वन एंगल पी हमें कितना दिया हुआ है बताइए, 90 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है। एंगल वाई हमें पता ही नहीं कितना है, 90 डिग्री। एंगल एक्स हमने कितना निकाला, एंगल एक्स हमने 37 डिग्री है ना, तो ये भी हो गया भाई 37 डिग्री, इजी है ना, एंगल वाई निकाल लोगे आप, बताइए क्या आएगा एंगल वाई फटाफट बताओ। 53 डिग्री, ठीक है। इसको देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है, ये तो तरीका था ही, एक और तरीके से कर सकते थे इसको, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपने एक चीज आपको मैंने बताई थी याद करो, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हैं, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर व्हाट, ये भी बताया था मैंने आपको, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर
व्हाट इनका सम क्या आता है हमेशा, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इनका सम हमेशा क्या आता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, बताइए। एस्पिरेंट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, ओके जस्ट रिपीट, यस सर रिपीट कीजिए, व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल नहीं, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट अपोजिट, ओके ना, यस सर, क्या करती है इसमें बहुत यूज होता है, ये इसमें बहुत यूज होता है, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट टू, आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज गिवन एंड व्हाट टू प्रूव एंड आई विल आस्क क्वेश्चंस आल्सो, यू हैव टू से इट्स वेरी वेरी, प्लीज नोट दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चलो कई बार दिया गया है, ठीक है कई बार कीजिए जाएंगे आप लोग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलो, एंगल क्यू, एंगल क्यू दिया है एंड इट इज बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड मीन्स व्हाट, क्यू इज बाइसेक्टेड, क्यू बाइसेक्ट मीन्स व्हाट, यहां दिया है एंगल पी क्यू टी एंगल टी क्यू आर, ये दोनों कैसे हैं, ये क्यू इज बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड मीन्स व्हाट, दो लाइन को छेदने वाला, बाइसेक्टेड मीन्स व्हाट, एंगल पी क्यू आर इज बाइसेक्टेड मतलब क्या है, एंगल पी क्यू टी एंगल टी क्यू आर कैसे है ये, यस यहाँ आई थिंक श्रेया इज आर लाइन, श्रेया यस सर बोलो बेटा, एंगल पी क्यू टी एंगल टी क्यू आर कैसे है, क्यू टी बाइसेक्ट एंगल पी क्यू आर मीन्स, सर बाइसेक्ट मतलब जो दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स होते हैं, सो एंगल पी क्यू टी सर इज, हाँ एंगल पी क्यू टी एंगल टी क्यू आर कैसे होते हैं फिर, हाउ दे आर इक्वल, एंगल पी क्यू टी एंड एंगल टी क्यू आर इक्वल, ओके ना, सिमिलरली एंगल पी आर एस इज बाइसेक्टेड, पी आर एस इज बाइसेक्टेड मीन्स व्हाट, एंगल पी आर टी एंगल टी आर सी कैसे है ये, एंगल पी आर टी बाइसेक्ट, हाँ बाइसेक्ट मीन्स व्हाट, व्हाट वी हैव टू डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सर डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड दे आर इक्वल, तो बोथ आर कैसे हैं, दोनों दोनों कैसे हैं यार, इक्वल इक्वल, यस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू एंगल पी आर एस, ये याद होता है ना, अभी याद होता है, अभी हमको दिखाना है, हमको दिखाना है एंगल क्यू टी आर, देखो पिक्चर में एंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर देखा आपने, क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर देखो कहना, क्यू पी आर ये दिखाना है, दोनों ऊपर एंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स का ऊपर एंगल्स, एंगल क्यू टी आर रिलेशन इज हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर बड़ा है QTR छोटा है और कितना छोटा है बता रहा है, QTR is equal to half of QPR, ये दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम चाहिए,
एंगल पी आर एस, पी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ व्हाट, एंगल पी क्यू आर. सो एंगल पी आर एस इज इक्वल टू, बोलो कौन सा है एंगल पी आर एस को कौन सा एंगल का सम बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्यू एंड एंगल. हाँ बोलो बेटा, बोलो एंगल क्यू एंड एंगल पी. वेरी गुड, एंगल क्यू एंड एंगल पी. ओके, हमको इसमें क्या चाहिए, एंगल पी को हम एंगल क्यू पी आर बोलते हैं, एंगल पी को हम एंगल क्यू पी आर बोलते हैं, एंगल क्यू को टू एंगल आर क्यू टी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट हो गया. ओके ना, चलेगा, चलेगा बेटा? यस सर. यस, समझ में आ रहा है? यस सर. एंगल पी को हम एंगल क्यू पी आर बोलते हैं. ओके, आई थिंक जनरल सर को फिगर दिखाने के लिए बोलता हूँ, ठीक है सर? यस सर, यू आर राइट. एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस. सर फिगर दिखाइए सर. क्यू आर एस वो नहीं, क्यू आर एस नहीं है. हाँ एंगल क्यू आर एस नहीं सर, एंगल पी आर एस. ओह सॉरी, पी आर एस. एंगल क्यू आर एस इज एंगल पी आर एस, पी आर एस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू प्लस एंगल पी. दैट्स फाइन सर. और नाउ एंगल पी को हम लिखते हैं एंगल क्यू पी आर. एंगल पी को हम लिखते हैं एंगल क्यू पी आर. एंगल क्यू को हम लिखते हैं टू एंगल टी क्यू आर. सर लिखिए सर. सर बीच में प्लस, फाइन सर. सो अभी एंगल पी आर एस को ऐसा लिख सकते हैं कुछ, एंगल टी एंगल कुछ लिख सकता हूँ पी आर एस ऐसा, पी आर एस की भाषा में लिख सकता हूँ पी क्यू पी आर एस को. कौन बताएगा रिलेशन? बोलो. पी आर एस इज ऑल्सो बाइसेक्टेड. सो हमको टी आर एस है तो टी आर एस क्या होगा, टी आर एस क्या होगा पी आर एस की टर्म्स में, कितना है टी आर एस ट्रायंगल टी आर इन ट्रायंगल टी आर क्यू एंड टी आर एस टी आर क्यू में. टी आर क्यू सर सही है, टी आर क्यू में एक्सटीरियर एंगल टी आर एस इज इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल टी आर एस इज इक्वल टू. कौन बताएंगे इसको असाइन करो, क्या साक्षी है, क्या साक्षी हुआ, साक्षी विवेक भारती कोई बताइए, एंड पी आर एस का रिलेशन क्या है पी आर एस के साथ? ओके, टू एंगल टी आर एस क्या होगा, सीधा पूछ रहा हूं मैं, टू एंगल टी आर एस क्या होगा? टी आर पी आर एस यस. हाँ, टू एंगल पी आर एस इक्वल टू एंगल, बोलो चार सुनो, एंड पी आर एस इज करेक्ट आंसर. सो एंड पी आर एस की जगह क्या डाल हूं मैं, टू एंगल टी आर एस डाल सकता हूं. यस सर. सो टू एंगल टी आर एस नेक्स्ट स्टेप इज टू एंगल टी आर एस इज इक्वल टू, टू एंगल टी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू. नो सर, नो नो नो, टू एंगल टी आर एस इज इक्वल टू टू एंगल टू क्यू आर, टू एंगल दैट्स फाइन. नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, टू एंगल टी आर एस इज इक्वल टू, यस दैट वी हैव टू ऐड, टू एंगल टी आर एस इज इक्वल टू टू एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर, क्यू पी आर. ओके ना,
और नेक्स्ट आप देखिए अनदर ट्राइंगल क्यू आर टी, अनदर ट्राइंगल क्यू आर टी, टी आर एस, यू नो वॉट इज टी आर एस, टी आर एस को क्या कहते हैं, टी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल, इसका रिलेशन क्या होगा बोलिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए, टी आर एस एंगल, टी आर एस एंगल इन द टर्म्स ऑफ इज इट इज इक्वेशन वन, वॉट एवर सर इज राइटिंग इज इक्वेशन वन, प्लीज कीप इक्वेशन वन, सर इक्वेशन वन डालिए, सर इक्वेशन वन डालिए, जरा सर दैट्स फाइन, नाउ फॉर द ट्रायंगल टी आर क्यू, फॉर द ट्रायंगल टी आर क्यू व्हाट इज टी आर एस, व्हाट इज टी आर एस, टी आर एस एंगल क्या क्या बोलते हैं उसको, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, दैट्स करेक्ट, मतलब एंगल टी आर एस को इस टाइप में क्या लिख सकते हैं, एंगल डी क्यू आर प्लस एंगल, बोलिए सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बोलना चाहिए ना, एंगल डी आर एस इज इक्वल टू, बोलिए श्रेया बोलो, एंगल टी आर एस से क्या होगा, एंगल डी क्यू आर प्लस QTR, मगर एक टी आर एस नहीं, हमको दो टी आर टी आर एस चाहिए, इसलिए क्या होगा फिर इक्वेशन टू को, इक्वेशन इस इक्वेशन टू बोलिए सर, इक्वेशन टू, इक्वेशन टू, इक्वेशन टू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर करना पड़े तो मल्टीप्लाई इक्वेशन टू, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन टू बाय टू करने से टू एंगल टी आर एस इज इक्वल टू, टू एंगल टी आर एस इज इक्वल टू 2 angle TQR plus 2 angle QTR आ रहा है, देखो equate 1 and 3, equate 1 and 3, first equation और last equation को दोनों बराबर कर दो, तो दोनों में दो TRS है सो बराबर है, सो राइट हैंड साइड इक्वेट करेंगे, 2 angle TQR plus angle QPR is equal to 2 angle TQR plus 2 QTR. So, इसमें क्या कॉमन है? दोनों में दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या दिख रहा है आपको? दोनों बराबर क्या दिख रहा है? 2 angle TQR and 2 angle TQR दिख रहा है. 2 angle TQR. दोनों में क्यों एंगल क्या, अगर उसको निकाल मतलब कैंसिल करने से क्या होगा, एंगल क्यूपीआर इज इक्वल बचेगा क्या, एंगल क्यूपीआर इज इक्वल टू टू एंगल क्यूपीआर, मुझे तब क्या आएगा, डिपल बोलो, डिपल डिपल थापा बोलिए, एंगल क्यू टी आर चाहिए, एंगल क्यू टी आर डिवाइड अबोव द इक्वेशन बाय टू, सो क्यू टी आर इज इक्वल टू क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ हाफ क्यू टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर, ओके ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, सारी सम्स इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्स मैं बोल रहा हूँ, सर ने सेकंड सम होमवर्क दिया है और सेकंड सम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्पल एट, एग्जाम्पल एट रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन टू एंड सिक्स, एग्जाम्पल एट रिलेशन, एग्जाम्पल एट रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज में 6.3 में टू सेकंड क्वेश्चन, 6.3 में हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी को लीव नहीं कर सकते, समझे ना, तो आप कोशिश कीजिए 6.3 में सेकंड क्वेश्चन करने का और एग्जाम लेट करने का बराबर,
मैं सबको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। बच्चों अपना ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और 6 एक बार खुद करके देखना फिर से, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज बहुत हो गए, तो जब आप इसको खुद करोगे ना प्रैक्टिस तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 2 और 6 दिखाई दे रहा है सबको, और एग्जाम्पल्स करने हैं आपको। एग्जाम्पल्स फिर से करना है इसको, ठीक है, समझ समझ के करना क्या लिखा हुआ है। तो ये आज का जो सेक्शन पढ़ाया गया ना पूरा देखना, बुक में जाके एक बार खुद पढ़ के देख रहे हैं, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो आज यहीं पे खत्म करते हैं क्लास। बाय सर। सर कैन प्लीज, हाँ जाओ जाओ, लेफ्ट कर सकते हो आप।